कल तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बयान दिया है। उनके अनुसार भारत के संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत है, ऐसी उन्होंने मांग की है। ये स्टेटमेंट, ये बयान अगर आरएसएस के छोटे मोटे कार्यकर्ता जैसे मोहन भागवत या बीजेपी के अन्य पदाधिकारी ने दिया होता तो हम इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते, लेकिन ये बयान संविधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने दिया है, इसलिए हम इस बात का खंडन करना चाहते हैं। पहली बात कि भारत का संविधान के चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री है उनको कौन से काम करने से रोक रहा है, कौन सा वो आर्टिकल है जो मुख्यमंत्री को काम करने से रोकता है। इनकी मंशा भारत के संविधान को हटाने की या उसे दोबारा लिखने की इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा यह है कि भारत को धर्म पर या धर्म आधारित देश इन लोगों को वो बनाना है। भारत का संविधान इस देश में मनुस्मृति को फिर से जिंदा करने से रोकता है। जब तक भारत का संविधान इस देश पर लागू है मनुस्मृति जिंदा नहीं हो सकती, और इसलिए इनकी प्रमुख समस्या यह है कि भारत के संविधान को हटाए बगैर ये मनुस्मृति को लागू नहीं कर सकते। और इसलिए उत्तर प्रदेश के मांडलेश्वर जैसे संत और बाबा लोग, आरएसएस जैसे धर्म के ऊपर आधारित संगठन, और ये जो राव रेड्डीज मोदीज शाहज अंबानीज अडानीज ये जो अपर कास्ट ब्राह्मिन्स इस देश पर बैठे हुए हैं, इनकी मांग इनकी मंशा ये है कि संविधान को हटाकर इनको मनुस्मृति लागू करनी है और हिंदू राष्ट्र के आड़ में इनको पेशवा और ब्राह्मण राज इस देश में स्थापित करना है, और इसलिए ये लोग संविधान को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मैं खुद चंद्रशेखर राव को मेरी ओर से ये ऑफर देता हूं कि चंद्रशेखर राव जी, आपको पूरे विश्व में जिस भी देश का संविधान आपको पसंद है आप उस देश में जाकर रह सकते हैं। मेरी ओर से मैं आपके प्लेन की और वीजा का खर्च मैं मेरी तरफ से करता हूं। जिस भी देश का संविधान आपको पसंद है आप उस देश में जाएं और खुशहाली से अपने परिवार के साथ और साथ में आरएसएस की गंदगी भी आपके साथ लेकर जाएं। ये मेरा खुला ऑफर आपको है, जिस भी देश का संविधान आपको पसंद है आप वहां पर जाकर रह सकते हैं। जब तक इस देश में हो तब तक भारत के संविधान का गौरव आपको करना होगा और आपका राज आपको बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखे हुए संविधान पर ही चलाना होगा, ना कि आपको मोदी शाह के या आरएसएस के एजेंडे पर आपको आपका राज्य चलाने की अनुमति भारत का संविधान नहीं देता। और इसलिए मैं चंद्रशेखर राव से कहना चाहूंगा कि जब तक भारत का संविधान इस देश पर है और हम ये कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और भारत के संविधान को बचाने की मुहिम बाबा साहब को मानने वाले और सभी महापुरुषों को मानने वाले लोगों को आगे आकर इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की पहल उन सबको करनी होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।